सही दिशा के अभाव से कई बार युवा वर्ग भ्रमित होकर न केवल अपने परिवार बल्कि समाज व राष्ट्र को भी निराश करता है। अतः इस स्थिति से बचने के लिए युवा वर्ग को समय रहते जीवन में सही दिशा की ओर कदम सजग रहना चाहिए एवं परिवार के साथ साथ समाज व राष्ट्र की मजबूती में अपना योगदान देना चाहिए। ये बात पूर्व में खेलों में हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व व नेतृत्व कर चुके प्रदेश भाजपा मीडिया सह प्रभारी नरेंद्र अत्री ने फिट यूथ हिट यूथ अभियान में बतौर मुख्य अतिथि कही। इस मौके पर राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी ललित शर्मा व चित्रंजन सिंह राणा व डॉक्टर कुणाल कौशल विशेष रूप से मौजूद रहे। ये जानकारी आयोजित समिति के संयोजक नरेश सिंह राणा ने दी। नरेंद्र अत्री ने युवाओं से आह्वान करते हुए कहा कि प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से छपने वाली खबरें जिनमें भ्रमित व दिशा विहीन युवा ड्रग्स के साथ पकड़े जाते हैं आज समाज व राष्ट्र के लिए खतरे की घंटी है। अतः ऐसे में जिम्मेदार युवाओं को आगे आकर राष्ट्र हित में जुड़ना होगा, नशे के खिलाफ अलख जगाना होगा ताकि अगली पीढ़ियों को नशे रूपी दानव से बचाया जा सके एवं राष्ट्र हित में कार्य करने हेतु प्रेरित किया जा सके। इस मौके पर उन्होंने मोदी सरकार द्वारा खेलो इंडिया एवं सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा शुरू किए गए सांसद खेल महाकुंभ का जिक्र करते हुए युवाओं से इन अभियानों में व समय समय पर भाग लेने व अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का आह्वान भी किया। यहाँ एक दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ का जहां मूल उद्देश्य एक तरफ सेना में भर्ती हेतु तैयारी कर रहे नौजवानों को एक मंच प्रदान करना था, वहीं उसके साथ साथ ये सुनिश्चित करना था कि ये नौजवान सेना में भर्ती के साथ साथ इस बात को सुनिश्चित करें कि आज की युवा पीढ़ी नशे से दूर रहे। जिस तरह का प्रचलन, जिस तरह की घटनाएं आए दिन समाचार पत्रों के माध्यम से पता चलती हैं कि किस तरह राष्ट्र विरोधी ताकतें हमारे युवाओं को भ्रमित करने के लिए, हमारी युवा शक्ति को क्षीण करने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं, तो ऐसे में सामाजिक संस्थाओं, खेल संघों, खेल संगठनों का भी ये दायित्व है कि वो उन राष्ट्र विरोधी ताकतों को की कोशिशों को नाकाम करने के लिए इस तरह का प्रण किया कि वो सेना में भर्ती की तैयारी के साथ साथ इस बात की चिंता करेंगे कि वो चाहे सेना में भर्ती हो या समाज में, राष्ट्र में, किसी दूसरे और क्षेत्र में काम करें, वो नशे से दूर रहेंगे और अपनी जो अपनी युवा शक्ति है उसको भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करेंगे। आज मैंने फिट यूथ में पहला स्थान हासिल किया और मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने भाई लोगों को सबके संदेश देना चाहूँगा नशे से दूर रहे और मैं भी आज यहाँ से प्रण लेके जा रहा हूँ कि ना कभी नशा करूँगा और ना किसी को करने दूँगा। मैंने फिट यूथ रेस में भाग लिया और मैं आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ और मैं यहाँ से प्रण लेता हूँ कि मैं नशा नहीं करूँगा और अपने साथियों को भी नशा करने नहीं दूंगा। हमीरपुर में आयोजित होने वाली फिट यूथ में भाग लिया है और उसमें मैंने तृतीय स्थान प्राप्त किया है और मैं यहाँ से प्रण लेकर जाता हूँ कि मैं यहाँ नशे से दूर रहूंगा और अपने नौजवान साथियों को भी उससे दूर करूंगा और मैं यहाँ से भी आयोजित करने वाले उसको धन्यवाद करता हूँ।